जिनके समय में इस होटल की औपचारिकताएं पूर्ण हुई थी, प्रदेश सरकार के पूर्व अपर मुख्य सचिव गृह और वर्तमान में मुख्यमंत्री कार्यालय में सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे श्री अवनीश अवस्थी जी, जो गोरखपुर में आज से लगभग 20 वर्ष पहले जिलाधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, और कालीबाड़ी के महंत जी, गोरखपुर के पूर्वांचल के हमारे वरिष्ठ समाज सेवी श्री बालकृष्ण सर्राफ जी, चेयरमैन केके ग्रुप श्री जगदीश आनंद जी, चेयरमैन एस्प्रा ग्रुप श्री अतुल सर्राफ जी, हमारे लोकप्रिय महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, और गोरखपुर के सभी उपस्थित महानुभाव, मैरियट कोर्टयार्ड से जुड़े हुए सभी अन्य पदाधिकारीगण और भाइयों बहनों, आज गोरखपुर में कई चीजें नई हो रही हैं, जिसमें अभी हम लोग इस 5-स्टार होटल का उद्घाटन करके आपके बीच में आए हैं, और कुछ ही देर में रामगढ़ ताल में क्रूज सेवा को भी हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। एक साथ इन दोनों सेवाओं के लिए गोरखपुर वासियों को, पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देते हुए मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आपका आशीर्वाद डबल इंजन की भाजपा सरकार को प्राप्त हुआ तो हर एक क्षेत्र में आपको खुशहाली, विकास का एक नया वातावरण देखने को मिला। देखिए, शुरुआत एक जगह से होती है, और वो शुरुआत आपने एक वोट के माध्यम से प्राप्त कर ली। सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण होता है तो विकास दौड़ पड़ता है, सुरक्षा के कारण निवेश आ पड़ता है, सुरक्षा के कारण सुशासन जमीनी धरातल पर दिखाई देता है, और अपने ही घर में नौजवानों को रोजगार भी मिलता है। और मैं कहता था ना कि आने वाले समय में यहां के नौजवानों को नौकरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि बाहर के योग्य नौजवानों को गोरखपुर में नौकरी के लिए आना पड़ेगा, और आज इस होटल के माध्यम से शुरू हुआ है। मैं यहां के जीएम से पूछ रहा था कि आप कहां के रहने वाले हैं, तो उन्होंने कहा मुंबई से। यहां पे एक पदाधिकारी से मैं पूछ रहा था आप कहां के रहने वाले हैं, उन्होंने कहा मैं अहमदाबाद से। यहां पे एक स्टाफ से मैंने पूछा आप कहां के रहने वाले हैं, उन्होंने कहा मैं दार्जिलिंग से। किसी से मैं पूछ रहा था आप कहां से हैं, कोई पुणे से है, कोई बेंगलुरु से है। यानी लोकल लोगों के साथ साथ, लोकल यूथ के साथ साथ, देश के भी स्किल मैन पावर को रोजगार देने का माध्यम गोरखपुर बन रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य का अवसर गोरखपुर वासियों के लिए दूसरा नहीं हो सकता है। और मैं इसके लिए केके ग्रुप को और एस्प्रा ग्रुप को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की नीति का लाभ उठाते हुए यहां पर इस 5-स्टार होटल को मैट्रेट ग्रुप के साथ मिलकर के आज जमीनी धरातल पर उतारने का काम किया है। भाइयों बहनों, आज से 10 वर्ष पहले यहां पे उजाड़ था, और जब कभी, यद्यपि तब इधर आने का अवसर भी कम मिलता था और आने की इच्छा भी नहीं होती थी, लेकिन कभी कभी अगर देवरिया बाईपास रोड को बाईपास करके हमें इधर से गुजरना होता था तो यहां पे एक उजाड़ सा दिखाई देता था। जब मुख्यमंत्री बना मैंने 2017 में, तो मैंने अवस्थी जी से कहा, ये उस समय पर्यटन और संस्कृति का काम कुछ दिनों तक देख रहे थे, मैंने कहा सर्किट हाउस के बगल में एक उजाड़ सा भवन है, क्या है वो? इन्होंने कहा है वो पर्यटन भवन, पर्यटन विभाग का एक छोटा सा भवन है। तो मैंने कहा उस खंडर को क्यों रखे वहां पे? कहा नहीं, हमारी होटल पॉलिसी का वो पार्ट बन गया है और हम उसको अब आगे बढ़ाने जा रहे हैं। और भाइयों बहनों, 6 वर्ष के अंदर उसी खंडर में आज एक 5-स्टार होटल बन गया है। उस समय की सरकार की सोच खंडर की थी तो खंडर ही था, आज की सरकार की खोज जो सोच है वो 5-स्टार और 7-स्टार की है,
एक फाइव स्टार होटल के रूप में गोरखपुर और पूर्वांचल वासियों को प्राप्त हो गया, एक बेहतरीन होटल मिल गया है। ये सोच पे निर्भर करता है, जनता जैसे सोचेगी वैसी सरकार आ जाएगी, सरकार जैसे सोचेगी जनभावनाओं का सम्मान करने वाली सरकार होगी तो सुरक्षा भी देगी, सुशासन भी देगी, तो समृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त करेगी। आज गोरखपुर में क्या नहीं है, और जब हम गोरखपुर की बात करते हैं तो केवल गोरखपुर एक छोटा सा महानगर नहीं है, 20 लाख की आबादी का नगर नहीं है, ये 5 करोड़ की आबादी पूर्वी उत्तर प्रदेश की, नॉर्थ वेस्ट बिहार और नेपाल की बड़ी आबादी अपनी शिक्षा के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपने व्यापार के लिए इस गोरखपुर सिटी पे निर्भर करता है। मैं देखता हूं बिहार में बहुत सारे लोग अपने घर की पार्टी कराने के लिए गोरखपुर में आते हैं, होटल बुक करते हैं, बहुत बार वहां के लोग मिलते हैं, कहां जा रहे हैं साहब, रिश्तेदार आए थे और आज का होटल, आज का हमने उनको भोजन देने के लिए कहा था तो हमने फलाने होटल में उनको पार्टी दी है। आप सोचिए बिहार के छपरा से, सिवान से, चंपारण से जुड़े हुए लोग, और मैंने कहा फिर कहा भोजन करके फिर हम रात्रि को चले जाएंगे। यानी कनेक्टिविटी कितनी अच्छी हुई है, रोड की कनेक्टिविटी, रेल की कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, और आज हम तो गोरखपुर में कुर्द सेवा भी प्रारंभ करने जा रहे हैं। अब आपके लिए होटल के साथ साथ, इस 5 स्टार होटल के साथ साथ कुरुज में भी और फैमिली रेस्टोरेंट भी होगा, पार्टी भी दीजिए और साथ साथ वहां पे घूमिए भी 1 घंटा 2 घंटा, मेहनत भी करिए, परिश्रम भी करिए, और परिश्रम के साथ जब साप्ताहिक में, सप्ताह में, महीने में कोई दिन अवसर मिले परिवार के साथ, मित्रों के साथ, पूरे सात्विक भाव के साथ जाइए, देखिए, कभी जू देखिए, कभी रामगढ़ ताल देखिए, कभी होटल में घूमिए, गोरखपुर के अंदर अन्य क्षेत्रों में भ्रमण करिए, अपने शहर को सुंदर बनाने में अपना योगदान दीजिए, अपने गांव को, अपने शहर को के प्रति एक भावनात्मक लगाव रखिए, तो समृद्धि अपने आप आपके पास आएगी। और आज का यह अवसर हम सबके लिए इसी रूप में है, हर व्यक्ति अपने अनुसार इनका आनंद भी ले रहा है। आपने देखा होगा रामगढ़ ताल समर गया है तो रवि किशन अपनी फिल्म पार्टी लेकर के यहां पे अब फिल्मों का निर्माण कर रहे हैं, एक अच्छा अवसर, एक अच्छा डेस्टिनेशन उनको प्राप्त हुआ। कालीबाड़ी के बाबा भी अपने यहां पे जब आते हैं तो वे भी अपने ग्राहक ढूंढते हैं कि मेरा यजमान कौन सा है, तो उनको भी अपने ग्राहक ढूंढने पड़ते हैं। ऐसे ही हर व्यक्ति देखता है और पर्यटन विभाग इस बात के लिए संतुष्ट होता है कि देखिए हमारी जो प्रॉपर्टी थी, जो लुप्त प्राय हो रही थी, नष्ट हो रही थी, आज वहां पे एक 5 स्टार होटल बन करके जनता जनार्दन की सेवा और उनकी आवश्यकताओं की आपूर्ति करने का एक माध्यम बन रही है। यानी सभी कुछ यशस्वी बनने की ओर अग्रसर है और यही जीवन है। आपने पुरुषार्थ किया, सही सत्संकल्प के साथ आगे बढ़े तो उसका लाभ हरेक को प्राप्त हो रहा है, और इसी सत्प्रयास से आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की बड़ी ताकत बन रहा है। दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्था में भारत होगा 2027 के लक्ष्य को लेकर के हम सब चल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व इस दिशा में जो सार्थक प्रयास कर रहा है, हम लोगों की भी तो जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने क्षेत्र में कार्य करें, हमारा भी तो कोई दायित्व बनता है, और उसी दायित्व का निर्वहन करने के लिए आज ये सभी प्रयास किए जा रहे हैं। जो कुछ हम देख रहे हैं, जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है, यहां पे भी वही स्थिति है। आप अयोध्या में जाएंगे, एक नई अयोध्या आपको देखने को मिलेगी। अयोध्या में हमारे पास लगभग 2 दर्जन 5 स्टार और 7 स्टार होटल के प्रस्ताव आ चुके हैं, काम चल रहा है, युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। आप देख सकते हैं ये वही उत्तर प्रदेश है जहां कोई आना नहीं चाहता था, कोई आना नहीं चाहता था, जो था वह भी भागना चाहता था। आज उसी उत्तर प्रदेश में
क्या होटल में, क्या उद्योग उद्योग के लगाने के लिए, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, क्या कनेक्टिविटी के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में व्यापक निवेश की संभावनाएं, हर व्यक्ति आना चाहता है, दुनिया का हर निवेशक आना चाहता है। और गोरखपुर में आकर के, अयोध्या में आकर के, काशी में आकर के, लखनऊ में आकर के, प्रदेश के प्रत्येक जनपद में जाकर के वहां रह करके कार्य करना चाहता है। मैं यहां पे मैट्रिक होटल ग्रुप से कहूंगा, जगदीश आनंद जी से भी और तुल सराज जी से भी, इतना शानदार होटल बनाया है, इस शानदार होटल के साथ एक व्यवस्था जरूर जुड़ी है, उत्तर प्रदेश की स्थानीय उत्पाद को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में जिसको हम प्रमोट कर रहे हैं, स्थानीय उत्पाद जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है वोकल फॉर लोकल, हर जिले की अपनी एक नई पहचान प्रोडक्ट के रूप में हमने उसको एक पहचान दी है। और यह उत्तर प्रदेश के अंदर एक्सपोर्ट के एक हब के रूप में, लगभग आज के दिन पे हम लोग उत्तर प्रदेश से लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए के लोकल प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी हमारे लोकल मार्केट में तो बिक ही रहा है, एक्सपोर्ट इतने का हो रहा है इसका। इस एक्सपोर्ट के लिए लोग आएंगे, आप वहां पे एक छोटा सा बनाइए अलग अलग जिले का, राज्य सरकार इसमें आपका सहयोग कर देगी, और फिर ऑनलाइन बुकिंग के लिए एक सुविधा दीजिए। हमारा अमेज़न से भी इसके साथ हमारा MOU है, अन्य तमाम ऐसी संस्थाओं के साथ है जो आपको ऑनलाइन बुकिंग करके वहां पे उनकी डिलीवरी करा सकता है, ये सभी सुविधाएं उन्हें उपलब्ध करवाने में योगदान दे सकता है। ये चीजें हम देंगे तो लोकल प्रोडक्ट के प्रति रोजगार सृजन के लिए भी ये सुविधाएं विकसित करने में मदद करेंगे, और लोगों को पता लगेगा कि क्या है, इसकी शोभा भी बढ़ेगी, होटल की भी शोभा बढ़ेगी, और साथ साथ आपको भी स्थानीय लोगों को इन सब के बारे में जानकारी हासिल करने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश आज नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बन चुका है, भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो रहा है तेजी के साथ। कोई सोचता था उत्तर प्रदेश में कोई निवेश करेगा? हमने जब इन्वेस्टर समिट किया था अभी फरवरी में, 40,00,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए, 40,00,000 करोड़ का मतलब 1,10,00,000 लोगों को सीधे सीधे नौकरी की गारंटी, यानी 1,10,00,000 नौजवानों के लिए नौकरी की गारंटी सरकार अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर दे सकती है और प्रत्येक जनपद में दे सकती है। हर जनपद में इस प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं, और उसी प्रस्ताव के क्रम में पर्यटन नीति के अंतर्गत जहां होटल बन रहे हैं, वहीं साथ ही साथ में मैरियट ग्रुप को इस बात के लिए भी आमंत्रित करूंगा, हेरिटेज होटल की एक नई श्रृंखला हम विकसित कर रहे हैं किलों में, और जो हमारी हेरिटेज बिल्डिंग है उनमें बुंदेलखंड में किलों की श्रृंखला है, लगभग 31 ऐसे किले हैं हमारे पास वहां पर जिनको होटल में बदलने की संभावना है, जहां पे टूरिज्म को बहुत तेजी के साथ प्रमोट किया जा सकता है। प्रदेश के अंदर अन्य शहरों में भी इस प्रकार की संभावनाएं हैं, और मैं आपका आह्वान करूंगा कि आप लोग भी इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। होम स्टे की एक नई व्यवस्था, दोनों के साथ कोऑर्डिनेशन बेहतरीन हो सकता है, होटल का भी, होम स्टे का भी, और टूरिज्म को व्यापक पैमाने पे जितना आप प्रमोट कर पाएंगे करिए, एक नई संस्कृति डेवलप होगी, लोग आकर्षित होंगे, दुनिया आपकी तरफ आएगी, लोगों को देखने को मिलेगा। इतना अच्छा रामगढ़ ताल और रामगढ़ ताल के किनारे मैट्रिक कोर्टयार्ड का यह आज शुभारंभ होना उसी श्रृंखला का हिस्सा है। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से ग्रुप को हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं, आप गोरखपुर वासियों को इसके लिए बधाई देता हूं, और विश्वास व्यक्त करता हूं कि सरकार का काम फैसिलिटेट करना है, उसका संरक्षण और उसको अनुशासित तरीके से आगे बढ़ने का काम हम सबका सामूहिक रूप से होना चाहिए।